तो ये देख रहे हैं एक फूल खिला हुआ है। तो मैं इस प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फूल नहीं लेती हूँ, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा फूल उगना चाहिए। तो अभी जो कलिया आएगा या फिर जो नई नई जो कलिया है उनको तोड़ देना है छोटी सी देखने से भी। तो आप लोग देख ही रहे हैं, ये मैं सिंडर मीडिया में जो प्लांट है, सॉरी, ये देख रहे हैं, ये थोड़ी सी मिट्टी नहीं है इसमें, जो ये मीडिया है वो सिंडर की मीडिया है या फिर घेंस है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो नए नए शूट्स हैं जो आप लोग देख ही रहे हैं, ये नए नए शूट्स आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ ऊपर भी बहुत सारी। तो इसमें ये देख रहे हैं एक जो छोटी सी कलिया भी आ गए हैं, ये देख रहे हैं हल्के से। तो अभी इस मौसम में प्लांट को इतना हेल्थी और नया नया जो पत्ते हैं जो निकलते हैं, कीड़ा वगैरह लग जाता है, तो मैं ज़्यादा केयरिंग करती हूँ, इसलिए ये प्लांट इतना हेल्थी है। और पत्ते की कलर भी आप देख के पहचान रहे होंगे कि जान रहे होंगे। तो इसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र हम डालते हैं या फिर क्या खाना डालते हैं जो कि हमारा प्लांट हेल्थी रहे और अच्छे से ग्रो करे, तो मैं आपको आज वही बताऊंगा, ठीक है? तो देखते हैं हम क्या खाना डालते हैं या फर्टिलाइज़र कैसे डालते हैं इस प्लांट में। तो देख रहे हैं मैं इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करता हूँ, NPK 20-20-20, जो कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। मैं मेरे प्लांट में यूज़ करते ही और अच्छे रिज़ल्ट मिलते ही मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इसका यूज़ हम जानेंगे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये पूरा वाटर सोलेबल है, तो एक चम्मच की मदद से या एक ये जो पॉट है, ये 9 इंच का पॉट है, तो इस पॉट में इतना सा जो फर्टिलाइज़र है तो हम इसमें डाल सकते हैं, इतना सा, हर 15 दिन के बाद या 8 दिन के बाद तो इसको हम डाल सकते हैं डायरेक्ट। इसका जो मीडिया है, इस मीडिया में हम ऐसे डाल सकते हैं चारों तरफ, इससे ऐसे डाल के अभी इसमें पानी डाल सकते हैं। और एक तरीके से कर सकते हैं क्या कि एक स्प्रेयर की मदद से, एक ऐसे स्प्रे की बोतल लेना है, ये 1 लीटर पानी भरा हुआ है पहले से ही। तो इस बोतल में क्या करना है कि सॉरी, इस बोतल में क्या करना है, पानी पहले से ही भरा हुआ है इसका, तो इसको हम खोल लेंगे और 1 लीटर पानी में हम 1 चम्मच NPK डालेंगे या आप ग्राम की मदद से भी ले सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 से 3 ग्राम, ये देख रहे हैं इतना सा। तो इसमें हम पानी में इसको डाल देंगे, पानी में डालने के बाद पानी में डालने के बाद स्प्रेयर को लगा देंगे। इसको लगा के ऐसे हम थोड़ा सेक कर लेंगे, ऐसे सेक कर लेंगे और डायरेक्ट जो हमारा प्लांट है, ये जो हमारा प्लांट है, तो इसमें हम ऐसे स्प्रे कर देंगे। ये प्लांट है, इसमें हम ऐसे स्प्रे कर देंगे। ये वाटर सोलेबल है, इसलिए इसके पत्ते में देने से भी ये फर्टिलाइज़र, ये प्लांट आपने रूट तक ले सकती है। और पत्ते की जो है, नया नया पत्ते, नया नया सूट्स निकलते हैं और इसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आप करके देखिए और कैसे रिज़ल्ट मिला आपको वो बताइए। ये NPK 20-20-20 के जो फर्टिलाइज़र है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छे लगे तो, मेरे चैनल से जुड़े रहिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।